कैसी तबीयत है बेटा? आप ऐसा कह रहे हैं जूस लें ताकि अपनी दवाई खा ले। मोमिन आए थे। मैं आज के बाद तुम्हारी जुबान पे उसका नाम मत सुनूं। सारा दिन तुम बुखार में सुत पड़ी रही हो। जिस अजाब से मैंने आज का दिन काटा है ना, वो सिर्फ मैं ही जानती हूँ। पूरा दिन तुम्हारे क्लास फेलोज, न्यूज चैनल्स, पता नहीं कहाँ कहाँ से कॉल आती रही है तुम्हारी हमदर्दी जताने के लिए। मैंने न्यूज चैनल्स की जबान तो बंद करा दी है। मैं कुछ लोगों को जानती थी, उन्हें न्यूज रोक दी है। लेकिन बेटा, जो तमाशा लगना था वो तो लग चुका है। मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ, मोमिन ठीक है? मर गया वो। लेटी रहो बेटा। वहां मोमिन कहाँ है? वहां सब उनको मार रहे थे। काश मार ही देते। ऐसे इंसान का वजूद इस जमीन पर बोझ है। पुलिस ले गई उसे। किसी स्टूडेंट ने कॉल कर दी थी। मैंने पुलिस स्टेशन फोन करके कह दिया है कि हम केस रजिस्टर नहीं कर रहे। अब तक वो घर पहुंच गया होगा। बेसाबा जूस। तुम जूस पियो और दवाई ले लो। जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में मत सोचो। थैंक गॉड वो अपने नापाक इरादों में कामयाब नहीं हुआ। जस्ट रेस्ट। ओके, इसको दवाई खिला देना और जूस पिला देना। हाँ जी, जूस पी लें, फिर आपको दवा भी खानी है। अब तो मैं पी लूंगी। आपको पता है आज का दिन बेगम साहिबा के लिए बहुत ही बुरा था, बहुत मुश्किल। पता नहीं किन किन और कैसी कैसी जगहों से कॉल आ रही थी, और मीडिया वालों को तो बस ही नहीं चल रहा था कि हमारा दरवाजा तोड़ के हमारे घर में ही घुस जाए। इंसान का तमाशा बनाकर इंसान को खुशी क्यों मिलती है, मुझे समझ नहीं आता। थोड़ा सा